हेलो गाइस, स्वागत है आपका दाफा हुआ टेक्निकल चैनल में। मैं आज आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ सिंगल चैनल ऐड कैसे करना है। जैसे कि अभी आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल में आपको स्पोर्ट्स के चैनल ऐड करने हैं या अदरवाइज कोई सी भी एडवाइस, मतलब ए टू जेड कोई भी सिंगल चैनल ऐड करना है, मैं आपको अभी इसमें बताने वाला हूँ स्पोर्ट्स के चैनल ऐड आपको कैसे करने हैं। ठीक है जी, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो वह इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दो मिनट के अंदर मैं आपको सारा को समझा देता हूँ इस वीडियो में कि पुराना पैक आपको डिलीट कैसे करना है, नया चैनल ऐड कैसे करना है, एक एक करके चैनल आपको कैसे ऐड करना है, अपना पैक कैसे बनाना है, मेरा अपना पैक कैसे बनाना है। चलिए आइए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर, और होम स्क्रीन पर अपने चलते हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर में आपने डाउनलोड कर लेना माई डिश टीवी एप्लीकेशन। माई डिश टीवी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में इसमें आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने का प्रोसेस आपको पता ही, ऊपर रजिस्टर मोबाइल नंबर, नीचे पासवर्ड, उसके बाद में सबमिट, उससे भी नीचे एक और ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट ओटीपी का। रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर या आपका बीसी नंबर मांगता है, वहाँ पे वो फिल कर देना है और जैसे ही आप सबमिट करेंगे ओटीपी के थ्रू आपका जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन ईजिली हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने एडिट पैक पे। सबसे नीचे अंडरलाइन आप देख रहे हैं एडिट पैक, एडिट पैक पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है, जो कि ये विंडो होती है आपके ओल्ड पैकेज की, पुराने पैकेज की। जैसे कि आपको जो आप लाइव कंटिन्यू जो पैक आप देख रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ऑल चैनल्स हो तो फ्री टू एयर के होते हैं, बाकी मैंने सिंगल चैनल सोनी 10.1 का ले रखा है। इसको अगर डिलीट करना है, मैंने जैसे डिलीट का बॉक्स आ रहा था उस पर क्लिक किया, डिलीट हो गया। ऐसे स्टार स्पोर्ट 1 के, स्टार स्पोर्ट्स के दो चैनल ले रखे हैं, इसके डिलीट के बॉक्स आ रहे हैं। कुछ इस तरीके से तो आप अपना जो पैकेज है वो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में सारे डिलीट करने के बाद में, या बाई चांस आपको अगर डिलीट कुछ भी नहीं करना, तो ये जो विंडो देख रहे हैं आप ऊपर, ये विंडो को क्रॉस कूड़ा का निशान, इस विंडो को हटा देना है। अगर आपको पुराना पैक डिलीट नहीं करना है तो ये विंडो को हटा देना है। अगर डिलीट भी करना है, डिलीट के करने के बाद भी आपको ये विंडो को हटाना है। ठीक है जी, उसके बाद में हम आ जाते हैं चैनल्स पे। चैनल्स पे जैसे कि आप देख रहे हैं चैनल पे टिक मार हो रखा है, और ये जितने भी सारे चैनल्स में शो कर रहे हैं टोटल चैनल्स में पैड वाले शो करेंगे, फ्री टू ईयर का कोई चैनल्स पे शो नहीं करेगा। जैसे कि आज तक, एबीपी न्यूज़ वगैरह कोई भी चैनल्स पे शो नहीं करेगा, क्योंकि वो चैनल सारे फ्री आते हैं। तो अभी मुझे इसमें ऐड करना है स्पोर्ट्स के चैनल। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का जैसे देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, अगर आपको हिंदी में चाहिए, नॉर्मल में चाहिए, तो आप देख रहे हैं 19 रुपये का आएगा। उसके बाद में इसके बराबर में स्टार स्पोर्ट्स 1 HD हिंदी, अगर HD में चाहिए, हिंदी में चाहिए, दोनों के प्राइस सेम है। तो कुछ इस तरीके से ऐसे टिक मार्क लगा सकते हैं, HD वाला चाहिए तो HD पे टिक मार्क रहने देना है। उसके बाद में आ जाना सोनी, जैसे कि आप सोनी के चांस अगर आप देखना पसंद करते हैं, सोनी 10, 1, 2, 3, 4, तो सोनी के चांस आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे सोनी 10, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, कुछ इस तरीके से आप टिक मार्क लगा के अपना पैकेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जैसे ही अगर आपका पैकेज कंफर्म हो जाता है, आपको पता है कि आपने सिंगल चैनल ऐड करना है या आपके कई सारे चैनल ऐड करने हैं, ऐड करने के बाद में आपने क्या होता है कि ऐसे ऐड करने से आपका पैकेज एक्टिवेट नहीं होएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ऐड तो आपने कर दिया, उसके बाद में सबसे नीचे एक्सपेंड पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे विंडो ओपन हो गई है, यहाँ पे दिखा रहे हैं एक मैंने नॉर्मल चैनल लिया, उसके बाद में HD चैनल 3 लिए हैं, वहाँ पे टिक मार लगा के भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, 3 आपके पैकेज चैनल्स हो गए, 3 और 1 4 चैनल हो गए। अब यहाँ पे मैं प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेस करने के बाद में आप यहाँ पे देखते हैं टोटल चैनल काउंट 132, उसके बाद में 70 रुपये चैनल प्राइस हो गए, 130 रुपये NCF ने लगाया, उसके बाद में 18% GST लगा के 36 रुपये की GST लग रही है। तो टोटल हमारा जो पैक बनना है 236 रुपये का। ठीक है जी, यहाँ पे अमाउंट शो हो गया, इसको आप जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में 5 मिनट के अंदर आपका पैकेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ऑन कंडीशन में आपका टीवी होना चाहिए, आपका हैंड टू हैंड पैकेज जो है 5 मिनट के अंदर पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों यार को शेयर करना। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, दोस्त यार को शेयर कर देना। बस फिलहाल मेरी वीडियो इतनी है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।